So hello guys, welcome back to the channel everyone, and I hope you all are doing absolutely fine. So today we are going to talk about Motorola Edge 20. मोटरोला एच 20 में आप लोगों को 6.7 इंच का बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसमें HDR 10 प्लस DCI P3 और काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि 10 बिट 144 हर्ट्ज और 576 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट। मैंने एक चीज़ देखी है कि काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है 576 हर्ट्ज या 480 हर्ट्ज का 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट, ये क्या होता है। तो ये एक्चुअल एक चीज़ है, मैं आप लोग को एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मान लो आप कोई भी गेम खेल रहे हो, कॉल ऑफ ड्यूटी फॉर एग्जांपल, अगर आपने और आपके सामने वाले एनिमी ने सेम टाइम पे फायर किया, और अगर आपके पास एच 20 है और उसके पास कोई और स्मार्टफोन है जिसमें 480 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है, 240 हर्ट्ज, 365 हर्ट्ज का, तो आपकी गोली उसको पहले लगेगी, क्योंकि वो डिस्प्ले पहले कमांड भेज देगा प्रोसेसर के पास और वो जल्दी हो जाएगा। गेमिंग में 576 हर्ट्ज काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ हो सकती है। एंड दिस स्मार्टफोन इज पावर्ड बाय स्नैपड्रैगन 778G। इफ यू कंपेयर 778G विद सम अदर स्मार्टफोन्स एट द सेम प्राइस पॉइंट, वो हम लोग को डायमेंसिटी 1200 दे रहे हैं, और ये जो है डायमेंसिटी 1100 के बराबर स्कोर्स देता है। और रियल लाइफ टेस्टिंग पर मैं भरोसा रखता हूँ, तो डायमेंसिटी 1200 और स्नैपड्रैगन 778G जो है, दोनों ही ऑलमोस्ट आसपास रहने वाले हैं, ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे। तो यस, 778G इज़ वेरी पावरफुल। और गाइस, इस स्मार्टफोन में आप लोगों को एंड्रॉयड 11 देखने को मिलेगा, मतलब है एंड्रॉयड 11, इसमें एंड्रॉयड 11 पे ये रन करता है। उसके बाद इसमें 2 साल के अपडेट्स आने वाले हैं मेजर, तो आप लोग को एंड्रॉयड 13 तक मिल जाएगा। सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, इन लोग को पहले भी ये चीज़ें देनी चाहिए थी, बट ये लोग एक एक साल के अपडेट्स देते हैं, दैट इज़ नॉट गुड आई थिंक। और डिस्प्ले प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो गोरिल्ला ग्लास 3 है। मैंने इसमें भी देखा लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ लोगों को। जो गोरिल्ला ग्लास 3 है, 5 है, विक्टर्स हैं, जितने भी हैं, वो सब के सब स्क्रैच को रेजिस्ट करने के लिए हैं। वो अगर मान लो किसी के स्मार्टफोन में विक्टर्स लगा हुआ है, सो दैट डजंट मीन कि वो शटर प्रूफ है, सिर्फ और सिर्फ स्क्रैच रोकने के लिए ही गोरिल्ला ग्लास बनाया जाता है। अभी गोरिल्ला ग्लास 3 जो है उसकी थिकनेस ज़्यादा है, गोरिल्ला ग्लास 5 की थिकनेस कम है, इसलिए वो कम से कम स्क्रैचेस लाता है अपने डिस्प्ले के ऊपर। तो गोरिल्ला ग्लास 3 जो है वो आप लोग का थोड़ा सा टफ रहेगा, बट स्क्रैचेस जल्दी आएंगे। पीछे आप लोग को पॉलीकार्बोनेट देखने को मिल जाता है, एज ऑलवेज मोटोरोला पॉलीकार्बोनेट कैसे छोड़ सकता है। और इस स्मार्टफोन पे आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, जो सैमसंग का आईसोसेल HM2 है। ये वाला सेंसर हमें सारे के सारे फ़ोन पर देखने को मिला है 30,000 के नीचे। रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स, रियलमी 8 प्रो, मोटोरोला G60, मी 10i, इन सारे स्मार्टफोन्स पे यही कैमरा देखने को मिलता है। उसके बाद आप लोग को 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिल जाता है, जो मैक्रो और अल्ट्रा वाइड दोनों का काम करेगा, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड फॉर दिस प्राइस, इट इज़ वेरी गुड। फिर उसके बाद आप लोग को एक और सेंसर देखने को मिलता है, जो है आप लोग का टेलीफोटो। और ये वाला जो कैमरा है, ये आपका 30x तक का जूम कर सकता है, जो एक गिमिक है। 4000mAh की बैटरी, 30W का फास्ट चार्जर है, तो आई थिंक स्क्रीन ऑन टाइम इस फ़ोन का मैक्स टू मैक्स 5 to 6 आवर्स होगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा ये। एंड चार्ज की बात रही तो करीब 45 मिनट्स के अराउंड में हो जाना चाहिए। सो यस, फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, बट स्टिल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि 30W हम लोग को 13,000 पे भी देखने को मिलता है, एंड 65W तो हमें 16-17,000 के प्राइस रेंज पे देखने को बहुत आसानी से मिल जाता है। तो इसमें आई थिंक 45 या 50W का हो सकता था। सो यही है पूरी कहानी इस फ़ोन की। और इसमें एक और फीचर है कुछ रेडी फॉर करके, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, बट इट इज़ नॉट अ डील ब्रेकर अगेन। एंड मुझे जो लगता है, मैं आप लोगों से बताऊँगा, ये स्मार्टफोन अगर 30,000 का आता है तो वर्थ नहीं है बिल्कुल भी। अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सेम प्राइस पे आपको स्नैपड्रैगन 870 वाला स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, जो है आप लोगों का मी 11X। आई थिंक मैं मी 11X को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट उसके ऊपर 2000 रुपये और डाल करके आप लोग को मिलता है IQ7। और भाई, IQ7 जैसा स्मार्टफोन आप लोग को मिल ही नहीं सकता है सही में। 870 है, डुबल चिप मॉन्स्टर है वो एक्चुअली, एंड आप लोग का कोई भी गेम 120fps पे चला सकता है। सो गेमिंग के लिए वो स्मार्टफोन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, कैमराज उस स्मार्टफोन के बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। सो फास्ट चार्जिंग भी उसमें बेटर है, एंड बैटरी दोनों में सेम देखने को मिलती है। एंड और जो कम चीज़ें हैं,
बस यही है कि उसमें गिमिक्स नहीं है, गिमिक्स जो हैं उस फ़ोन के अंदर आप लोग को बहुत कम देखने को मिलते हैं। iQOO 7 में 120 Hz है एंड H20 में 144 Hz है, तो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं रहेगा। एंड बट मैं अभी भी कहूँगा, अगर ये स्मार्टफोन 27,000 या 28,000 के अराउंड में आ जाता है तो काफ़ी ज़रा अच्छी डील हो सकती है, बट 30,000 रुपीज़ के लिए स्मार्टफोन बिल्कुल वर्थ। लीकस्टर हैं हमारे ट्विटर पे जिन्होंने ये लीक किया है कि ये 30,000 के अराउंड में आ सकता है, आप लोग को आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 30,000 रुपीज़ का होगा, बट अभी भी मेरा अजम्पशन है 27-28,000 के अराउंड में, क्योंकि 30,000 वर्थ तो नहीं है इस डिवाइस के लिए। सो गाइज, इन द एंड आई वुड से दैट आई वॉन्ट टू गिव अ ट्रॉफी टू मोटोरोला फॉर मेकिंग द बेस्ट गिमिक डिवाइस ऑफ द ईयर। यू डिजर्व इट। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू एंजॉय द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक, शेयर, कमेंट डाउन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आप लोग को डिवाइस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना मुझको, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा कि आप लोग को 30,000 के प्राइस पे कैसा लगता है और 27,000 के प्राइस पे कैसा लगता है।